Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID, and the topic which I am going to discuss this time is Strategies and Programs of Sarva Shiksha Abhiyan. In our previous video, we have discussed over the background, objectives and characteristics of Sarva Shiksha Abhiyan. And in this video, in this lecture, I am going to discuss what are the strategies and what are the programs to attain the goal of UEE by SSA. Okay, and the lecture will be in bilingual mode. So do subscribe my channel to get my future as well as previous videos. First of all, strategies. We have discussed, we have studied that SSA is an umbrella program. मतलब SSA को इस तरह से लॉन्च किया गया है कि जितने भी प्रोग्राम बेसिक एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए चलाए जा रहे हैं उन सबको ये सब्ज्यूम कर लेता है, सबके ऊपर है. It subsumes all the ongoing projects, programs and schemes aimed at developing basic education. Okay, then a convergent approach will, it is expected, help overcome the problems of coordination between intra and intersectoral program initiatives and at the same time facilitate effective planning, implementation, monitoring and evaluation of EFA programs. EFA means Education for All. यानि कि Education for All के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन में मिसमैच है, कुछ प्लानिंग में दिक्कत हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन में सबका मॉनिटरिंग, सबका इवेलुएशन करना SSA का काम है. SSA has made strategic program for universalization of elementary education in India. It has different strategies for community involvement, institutional reforms and financing and village level planning. It also has a special emphasis on education for girls and tribals. The main strategies are, मतलब हमने ये जान लिया कि UEE को अचीव करने का प्रोग्राम है जिसमें बहुत बल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे है, है ना. इंस्टीट्यूशन को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, कैसे हम विलेज लेवल की प्लानिंग करेंगे, माइक्रो प्लानिंग कहाँ लगेगी, फाइनेंसिंग कैसे देखी जाएगी, और आपने जान लिया कि ये सोशल डिसएडवांटेज्ड जो सेक्शन है उसके लिए विशेष काम करता है, गर्ल्स के लिए विशेष काम करता है. तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं इसके पास ये सब करने के लिए. क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? पांच तरीके की स्ट्रैटेजी SSA अप्लाई करता है, उसके अंदर निहित है. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो संस्था है उसका सुधार किया जाएगा. कम्युनिटी एम्पावरमेंट, जो समुदाय है उसका सशक्तिकरण किया जाएगा. जो इंस्टीट्यूट है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी. कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होगी, देखा जाएगा कि हर समुदाय आधारित मॉनिटरिंग, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या स्पेशलिटी है, कैसे किसको इंक्लूड करना है. और फोकस ऑन दी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड स्पेशल ग्रुप्स, जो विशेष वंचित वर्ग है और जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पर मुख्य बल है. तो एक एक करके देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या करेंगे. यस, पार्ट ऑफ द एसएसए द स्टेट्स हैव टू मेक एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म करना है ना, तो पहले कहा गया कि जो राज्य हैं वो एक ऑब्जेक्टिव आकलन करें, एक वस्तुनिष्ठ आकलन करके बताएं कि जो एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रशासन है, जो अचीवमेंट लेवल है विद्यालय का, क्या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिटी ओनरशिप की क्या स्थिति है, स्टेट एजुकेशन एक्ट का रिव्यू करिए, रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर डिप्लॉयमेंट करिए, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, मतलब जितना कुछ हो सकता है, मॉनिटरिंग इवेल्यूएशन, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, SC ST की शिक्षा, डिसएडवांटेज ग्रुप की शिक्षा, पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइवेट स्कूल्स एंड ECCE. ECCE क्या है? क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो सबका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके राज्य जो है वो इन्फॉर्म करे, तो SSA उसका इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म करेगा. तो ये इसके पीछे का बेसिक स्ट्रैटेजी. देन कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कम्युनिटी को कैसे एम्पावर किया जाएगा. द प्रोग्राम कॉल्स फॉर कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ स्कूल्स एंड इंटरवेंशन थ्रू इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब अब तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण कितना इंपॉर्टेंट बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में है. और किया कैसे जाएगा, हम इन्वॉल्व करेंगे किसको, महिला समूहों को, विलेज एजुकेशन कमेटी को, मेंबर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर है सबको आप इन्वॉल्व कीजिए स्कूल के मैनेजमेंट में, कम्युनिटी ओनरशिप दीजिए उनको, अपने आप कम्युनिटी का एम्पावरमेंट हो जाएगा. और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग,
देखिए बड़ी बड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं लगी हुई है इस काम में। नीपा, जो कि अब न्यूपा हो गया है, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, अब ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी सब हम लोग जान चुके हैं, और नया हम आज पढ़ रहे हैं सीमैट। सीमैट क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब इतना एब्रीविएशन ही आप याद कर लीजिए, यही आपके लिए बड़ा टास्क है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग हैव बीन गिवन कैपेसिटी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इन नेशनल और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एज इट इज रियलाइज दैट इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी रिक्वायर्स अ सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द नेशनल, द स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट एंड द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल और प्लानिंग और मैनेजमेंट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, क्या सॉरी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और जिले से नीचे भी जो स्तर हैं, सब में उसने कहा कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को इसमें लगाया गया है। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन उनकी भी क्षमता का हम निर्माण करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि हम करिकुला, टीचिंग लर्निंग मटीरियल सब लोकल कंटेक्स्ट के रेलिवेंट बना सकें। ओके, देन कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, इट इज एडवाइज्ड इन एसएसए दैट द एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नया आ गया EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड कोरिलेट स्कूल लेवल डेटा विद कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज इन फील्ड सर्विस। देखिए आपको लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से सब कुछ करना है तो हमको डेटा चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा मिल रहा है उसको कोरिलेट करो स्कूल लेवल डेटा से, कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन से, और तब माइक्रो प्लानिंग कीजिए, सूक्ष्म नियोजन कीजिए, फील्ड का सर्वे कीजिए, तब निकल के सही चीज़ आएगी कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, तब तो उसकी आप रिफॉर्म करेंगे ना। The SSA envisages cooperation between teachers, parents and PRIs as well as accountability and transparency on the part of every individual and agency involved. जो भी लगा हुआ है, संस्था लगी है, शिक्षक लगा है, अभिभावक लगा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर लगे, सबकी accountability, जिम्मेदारी होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से वो इन्वॉल्व हों और काम करें कम्युनिटी के लिए। और फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड स्पेशल ग्रुप्स में क्या है कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द SC/NST, देखिए जो जनरल वर्ग है उससे SC/ST पिछड़ा है, फिर जो मेल है उससे फीमेल पिछड़ी है, तो हर मामले में जो SC/ST फीमेल है वो तो और बहुत पिछड़ी रहती है, इसलिए उसके लिए विशेष काम करता है ये। इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्स इन SSA, इट फॉलोज अ मेन स्ट्रीम जेंडर अप्रोच, यानी कि हमको जेंडर मतलब मेन स्ट्रीमिंग में लाना है फीमेल जेंडर को। एफर्ट्स प्रोवाइड फॉर मोबिलाइजेशन इन द हैबिटेशन, विलेज, अर्बन, स्लम लेवल, हम क्या करेंगे उसके लिए, हम मोबिलाइजेशन करेंगे, मतलब हर जगह जाएंगे, बातचीत करेंगे, फीमेल टीचर्स की नियुक्ति करेंगे, उनको पोषण में कमी होती, कुपोषण की शिकार होती है लड़कियां, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, उनको फ्री में टेक्स्ट बुक देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, बैक टू स्कूल कैंप फॉर एडोलेसेंट गर्ल, अक्सर किशोरावस्था में आ जाने पर लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ महिला समूह। इतना कुछ करने का ऑब्जेक्टिव है SSA के पास कि किसी तरह वो SC/ST गर्ल्स को, सारी गर्ल्स को मेन स्ट्रीम में ला सकें। Focused attention is given to activities that enhance participation of children from SCs, STs, religious and linguistic minorities, disadvantaged groups and the disabled children. यानी कि जितना भी पिछड़ा वर्ग है उस पर विशेष अटेंशन SSA का है कि सबको ले आए, क्योंकि बाकी लोग तो आ ही जाते हैं, जो पिछड़ जाते हैं, जो हर बार रह जाते हैं, उनको जरूर ले लेना है, तभी आप UE को प्राप्त कर पाएंगे। और प्रोग्राम्स SSA की देखिए ये चार मुख्य काम हैं इसके, जिसके द्वारा ये UEE को अचीव करने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा ये रिटेंशन को बढ़ा के ड्रॉपआउट को कम करने की कोशिश करता है। क्या, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, सब तक पहुंच हो, सबका नामांकन हो, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप, हम समता ले आए, सबको हम ले आए बराबर, जो जेंडर में गैप है, जो सोशल कैटेगरी का गैप है उसको कम कर सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो जो ये लास्ट वाला पॉइंट है उसका तो बहुत डिस्कशन हो गया कि हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज कर दिया, हमने प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सब कर दिया कम्युनिटी लेवल पे, तो ये तीन कैसे करते हैं ये देख लते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट के लिए SSA क्या करती है, जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप को ब्रिज करने के लिए क्या करती है, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। तो SSA अब SSA क्या कर रही है, क्या कर रहा है, मतलब संस्था है, कभी कर रही है निकल जाता है मुंह से। तो यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट के लिए तीन काम है इसके पास, चार पांच, पांच काम है। एनरोलमेंट इन स्कूलिंग फैसिलिटी हम बढ़ाएंगे,
प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स इन रिमोट ट्राइबल फॉरेस्ट हिली डेजर्ट एरिया करेंगे, आरटी वाला समझाना है, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाता है, यानी कि इनरोलमेंट इन स्कूलिंग फैसिलिटीज की इनहेंसमेंट इन स्कूलिंग फैसिलिटीज, तो जो विद्यालय जो सुविधा है उसको हम बढ़ा देंगे। एस एस ए प्रोवाइड्स फॉर स्कूल्स टू चिल्ड्रेन विद इन रीजनेबल वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब कहा गया कि आप रीजनेबल वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए ना विद्यालय, तब तो बच्चा जाएगा नहीं, तो इसीलिए छोड़ देता है कि बहुत दूर है। तो कहा गया कि प्राइमरी विद्यालय कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर हो और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए हर बच्चे के लिए, ये बात। फिर उसने कहा जो बहुत ही रिमोट ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, हिली है, डेजर्ट एरिया है, वहां के बच्चे कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा रेजिडेंशियल स्कूल खोल दीजिए, मतलब बच्चा वहीं रहे, ओके। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरटीई एक्ट में डिस्कशन नहीं हुआ इसका, कि आरटीई एक्ट अंडर सेक्शन 12(1)(c) प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स अप टू 25% ऑफ देयर कैपेसिटी इन क्लास 1 और बिलो। देखिए कहा जा रहा है कि भाई जब बच्चा गरीब है वो तो प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़ नहीं सकता है, उसको तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना होगा। तो आरटी एक्ट ने कहा कि क्यों ऐसा करें, ऐसा करते हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसको अपनी जो क्लास की कैपेसिटी है उसके 25% हिस्से में वो चाहे तो वो किसी भी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और इस तरीके के बच्चों को एडमिशन देना जरूरी है, ये आरटी एक्ट ने कहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन विच फैसिलिटेट्स एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन टू क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल, क्योंकि वो अनएडेड स्कूल है, सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है, तो वो कहेंगे हम तो फीस लेंगे। तो एसएसए का फाइनेंसिंग इस तरह से किया गया है कि वो उनकी फीस रिइम्बर्स करें या जो भी मैटर वो अपना आपस में सॉल्व करें, मतलब कि ये सरकार देगी उसका पैसा, ऐसा प्रोविजन है। द प्रोविजन इज फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शन, जो दुर्बल वर्ग का सदस्य है, जो वंचित वर्ग का है, वो भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। लेकिन चूंकि आप 100% नहीं कर सकते, 50-75 नहीं, 25% तक की बात है, यही बड़ी बात है। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे और स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाएंगे। तो उसने कहा कि इन माध्यमों से हम एक्सेस और इनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं। जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप कैसे भरेंगे, कि ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स इज अ की एजेंडा ऑफ एसएसए, है ना। उसने कहा बहुत सारे हम ऐसे काम करेंगे जिससे डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप, एससी एसटी, मुस्लिम, सीडब्ल्यूएसएन, सब हम सबको ला सकेंगे। तो कैसे करेंगे, कि हम नेबरहुड स्कूल खोलेंगे, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया करेंगे, मतलब आने जाने की उनको दिक्कत होती तो वो करेंगे, रेजिडेंशियल फैसिलिटी का स्कूल खोल देंगे अगर ज़रूरत हो तो, टेक्स्ट बुक फ्री में दे देंगे, MDM, देखिए मिड डे मील बहुत बड़ा सबसे दुनिया भर में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है, मिड डे मील, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे ट्राइबल स्कूल्स में, और क्या करेंगे, एड्स एंड अप्लायंसेस फॉर CWSN, यानी कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए हम सुविधा एड्स बनाएंगे, अप्लायंस बनाएंगे, मतलब जिससे वो कान में जो लगाते हैं यंत्र उनको कम सुनाई देता है, ब्रेल लिपि की पुस्तकें, बहुत कुछ है इसके अंतर्गत, और होम बेस्ड एजुकेशन फॉर CWSN विद प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, जो बहुत जिसका संग डिसेबिलिटी है स्कूल नहीं आ सकता उसके लिए होम बेस्ड एजुकेशन की सुविधा करेंगे, करिकुलम एडेप्टेशन फॉर इंक्लूजन, जो मतलब है ना इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ चुके हैं उसके लिए हम करिकुलर नया बनाएंगे, अडेप्ट करेंगे करिकुलर, करिकुलर एंड पेडागॉजिक रिफॉर्म करेंगे, इनोवेटिव एक्टिविटीज फंडेड फ्रॉम द इनोवेशन हेड ऑफ एसएसए, एसएसए में एक इनोवेशन हेड भी होता है, वहां से फंडिंग लेके हम इनोवेटिव एक्टिविटीज करेंगे, सब कुछ करेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा, ताकि हम किसी भी तरह जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप को कम कर सकें, खत्म कर सकें। तो इसके लिए ये दो प्रोग्राम मेनली हैं इसके, एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के CWSN और एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो आरटी एक्ट वॉज एमेंडेड इन 2012 टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद स्पेशल एड, मतलब आरटी एक्ट आ गया 2009 में, 2010 में लागू हो गया, 2012 में इसमें फिर थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी अपने अंदर निहित कर लें। तो फर्दर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स टू पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि उनके विद्या जैसे कहा गया ना कि हर अभिभावक को अपने बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, लेकिन बहुत ही बच्चे के संग दिक्कत है, प्रोफाउंड डिसेबिलिटी है, तो उसको होम बेस्ड एजुकेशन के ऑप्शन का राइट दिया गया है। द मेजर प्रोविजन अंडर एसएसए फॉर द एजुकेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन आर आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, टीचर ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोर्स टीचर्स, थेरेपिस्ट, establishing resource rooms to provide specialized support to children with disabilities, provision of ramps, handrails and disabled friendly toilets. देखिए कितना कुछ ऐसे ऐसे ने provision है उसके अंदर कि
फिजिकली चैलेंज बच्चे की पहले पहचान हो, उसका फंक्शनल और फॉर्मल असेसमेंट किया जाए, उसके किस विद्यालय में पढ़ेगा, वो स्पेशल में पढ़ेगा, वो किस तरह के होम बेस्ड स्कूलिंग होगी, सब कुछ, उसके लिए एजुकेशन प्लान बनाया जाए, उसके लिए एड्स और अप्लायंसेस दिए जाएं, टीचर ट्रेन किए जाएं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, रिसोर्स टीचर की नियुक्ति की जाए, उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है थेरेपिस्ट दीजिए, उनके लिए रिसोर्स रूम बनाइए, स्पेशलाइज सपोर्ट दीजिए ऐसे बच्चों को, अगर जैसे किसी को कोई व्हील चेयर से चलता है तो रैंप बनाइए ताकि वो इजीली चढ़ उतर पाए उसकी गाड़ी, हैंड रेल बनाइए, डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाइए, कितना कुछ है इसके अंतर्गत, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बृहद स्तरीय है, इतना कुछ किया जा रहा है कि हर बच्चे को शिक्षा दी जा सके, कोई बच्चा किसी डिसेबिलिटी की वजह से वंचित ना रहे शिक्षा से। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रेजिडेंशियल प्रोग्राम है एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज गर्ल्स का इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, वो जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे जहाँ SC ST ज़्यादा हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, उन लड़कियों को रेजिडेंशियल स्कूलिंग दी जाती है कि आप वहीं रहकर पढ़िए। KGBB इज ए फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन अंडर द स्कीम रेजिडेंशियल स्कूल्स आर ओपन फॉर गर्ल्स एट अपर प्राइमरी लेवल, और 75% लड़कियाँ इसमें ज़रूर SC ST माइनॉरिटी OBC कम्युनिटी की होनी चाहिए, और जो बची हुई हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन की। दिस वेल अप्रिशिएटेड प्रोग्राम इज प्रेजेंटली रीचिंग आउट अबाउट 3.46 लाख गर्ल्स, निश्चित रूप से डेटा पुराना होगा और ये संख्या बढ़ गई होगी, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन, देखिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे काम ऐसे करता है क्वालिटी एजुकेशन इन इम्प्रूवमेंट, कि हम एजुकेट, देखिए सिर्फ अब हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, हम सबको शिक्षा देंगे, हम सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, या पुरानी कही हुई बातें, कोई उसमें बहुत विशेष बात नहीं है। कैसे करेंगे ये देखिए, डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम उसने कहा कि हर लेवल का तय कर दीजिए, हर राज्य के लिए बता दीजिए, हर विद्यालय के लिए बता दीजिए, ताकि जो वो उनका अचीवमेंट लेवल है उससे मैच कर लें कि बच्चे का लर्निंग आउटकम कैसा है। फिर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS चलता है उसको सुधारने की बात है, जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की बात है ताकि वो बढ़िया पढ़ाई करवाएं बढ़िया पढ़ाएं। फिर स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात है, हेड मास्टर्स के लिए, इन लोगों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ताकि वो बढ़िया लीडरशिप शो करें। टीचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, ये नया है कि एक ऐसे बना दिया जाए इंडिकेटर जिससे पता चल सके कि टीचर का परफॉर्मेंस कैसा है और उसको सुधारने के लिए काम करें। स्कूल परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाए कि विद्यालय कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ BRC CRC, पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इतने सारे पैरामीटर्स के द्वारा SSA एलिमेंट्री एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए काम करता है। तो हमने स्ट्रैटेजीज जान ली, हमने प्रोग्राम्स जान लिए। स्ट्रैटेजीज वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करता है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट करता है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। प्रोग्राम क्या क्या चलाता है, यूनिवर्सल एक्सेस और रिटेंशन के लिए प्रोग्राम है, आपका ब्रिज करना है सोशल और जेंडर गैप को, और इक्विटी प्रदान करनी है, और क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, और कम्युनिटी का डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग करना है, मोबिलाइजेशन करना है, एम्पावरमेंट करना है। इतना कुछ SSA के अंतर्गत है, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना सरकार पैसा खर्चा कर रही है कि हम UEE को प्राप्त कर सकें। सो आई हैव कम्प्लीटेड SSA in a holistic manner, all its background, objectives, characteristics, strategies and programs. So now you all are well aware with the this program SSA. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.